नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। कुछ बच्चों ने कहा भी था कि सर डीएलएड में मेरा बैक लग जाता है बहुत बार। भाई 2021 बैच के एक बच्चे हैं, एक छात्र हैं, जिन्होंने कहा कि सर मैं मैथ में इस बार भी बैक लगा लिया। सर लास्ट चांस है, सर बताइए कैसे पढ़ूँ मैं, सर कभी मेरा मैथ वीक था ही नहीं। तो इस बात को मैं हर बार बोला हूँ बच्चों, डीएलएड एक ऐसा संस्था है ना, इसे बहुत तेजुखा बच्चा भी बैक लगा लेता है, क्योंकि उसको तो आता सब कुछ है लेकिन लिखने का स्ट्रेटजी नहीं पता होता है। तो मैं बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा अंत तक, वन बाई वन हर एक स्टेप को। बस मात्र 5 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है, डीएलएड करने से लगता है कि मैं पा जाऊँगा एक नौकरी, और चाहते हो कि सही समय पर डीएलएड भी क्लियर हो जाए, जैसे 2023 बैच के बच्चे जो होंगे, 2021 बैच के, 2019 बैच के, 2022 बैच के, इस बार उनका एग्ज़ाम होगा, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका एग्ज़ाम है, बैक लगता है, ना भी लगता हो, एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से देखो वीडियो को। और मैं इसी तरह से यूपी टेट के लिए भी बनाऊंगा बच्चों, तो साथ दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आप देखते हैं जो कि फिजूल की होती है, वो किसी काम का नहीं होता है। लगोगे रील देखने और 2 घंटे निकल जाएंगे बच्चों, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। खैर, हमारा काम है आपको बताना, और आप ना समझो, आपके हाथ में आपका भविष्य बच्चों, देखते हैं। क्योंकि जीरो से, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जितने बच्चों को पढ़ाया हूँ उससे मैंने एक चीज़ सीखा है कि सच में मुझे पढ़ाना आता है। मैंने यह चीज़ सीख लिया, थोड़े मोड़े पढ़ाने आते हैं, वो भी उतने तो कम से कम आते हैं कि मैं आपको कुछ दे सकूं और आप एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, यूपी टेट में भी, आने वाले सुपर टेट में भी, बच्चों कहीं भी मैथ में और किसी भी सब्जेक्ट में, डीएलएड के किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो आप, है ना। चलो, मैंने जो सीखा है इन 2 सालों में बच्चों, जो मेरी 2 साल का अनुभव है डीएलएड से रिलेटेड चीज़ें, मैं सच में बहुत कुछ सीखा हूँ इस 2 साल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर, जो जब से मैं डीएलएड संस्थान से जुड़ा हूँ, इस पे वर्क कर रहा हूँ, इस पे पढ़ा लिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, जो जितने बच्चे को मैंने पढ़ाया है, बच्चों का कहना होता है सर मेरी राइटिंग पुअर थी, मैंने कटपिट किया था। बच्चों तो कटपिट मत करना, पहली बात है, कॉपी पे कटपिट नहीं करना है, पहला नोट करिए, कटपिट नहीं, ऐसे ही नोट करिए, ऐसे ही नोट करिए दिमाग में, कटपिट नहीं करना है। अगर कटपिट करना है, कुछ लिख दिए तो भैया उसको ऐसे कर लो, एक लाइन दो लाइन से कट दो बस। अब लगोगे गुजियाने तो उस मास्टर उसमें बैठे रहते हैं, बहुत मैक्सिमम बुजुर्ग होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं भाई, चश्मा वश्मा लगा के चेक करते हैं, बहुत बार निहारना पड़ता है, खुश रहे तो ठीक है, घर से लड़ाई उड़ाई करके गए तो लो कटम कीटम, कहानी ख़त्म। तो इस वजह से थोड़ा सा सब्र से और ढंग से कॉपी को लिखना है, कटपिट नहीं करना है पहले तो। दूसरी बात यह है ना भाई, आप जो पेन ले जाओगे, एक ब्लैक एक ब्लू ले जाओगे, एक अंडरलाइन करने के लिए स्केच भी ले लीजिएगा। इतना मैं बता रहा हूँ मैथ के लिए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट, मैथ के लिए मैं एक सेपरेट भी बना दूंगा, खैर अभी सारे सब्जेक्ट के लिए आप देख के चलो, यह स्ट्रेटजी सभी सब्जेक्ट के लिए है। अब जो सबसे अच्छा से अच्छा आपको आ रहा है क्वेश्चन, यह नहीं जरूरी नहीं कि MCQ 5 के 5 ही पहले करो, नहीं, आपको अति लघु उत्तरी आ रहा है, दीर्घ उत्तरी आ रहा है अच्छे से, तो पहले उसको करो, लेकिन जो सबसे बेस्ट आ रहा है, ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन कम से कम तो होंगे भाई, 5 क्वेश्चन तो होगा जो कि बहुत अच्छे से आ रहा है, उसको पहले लिखो, यानी कि जो बहुत अच्छे से आ रहा है पहले उसको लिखेंगे, बहुत अच्छे से जो आ रहा है पहले उसको, भाई ये लिख लेना, जो बहुत अच्छे से आ रहा है पहले उसको लिख लेंगे हम। तीसरा नंबर बच्चों, जो बहुत अच्छे से आ रहा है ना, उसमें कुछ तो कीवर्ड होंगे, जैसे हमने पूछा रामानुजम कौन थे, तो रामानुजम के नाम, रामानुजम के पिता का नाम, उसको अंडरलाइन कर देना, मतलब कि जो कीवर्ड होंगे उनको अंडरलाइन करेंगे, कीवर्ड मतलब कि जो इसलिए क्वेश्चन बना है उसको, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, दोनों में अंडरलाइन कर देंगे बच्चों, ये बात हो गई। और स्केच पेन स्केलिंग करने के बाद यूज कर लेना, स्केलिंग करना ये तो सभी को पता है, सब जाके तुरंत स्केलिंग ही करते हैं, तो आप लोग भी स्केलिंग कर लोगे। राइटिंग पे ध्यान दोगे बच्चों, ये तो थोड़ी सी सही बात है, राइटिंग कब तक राइटिंग पे ध्यान दोगे, राइटिंग आपका फुअर भी है ना, तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तक राइटिंग बहुत शुद्ध लिखना, इतने बहुत अच्छे से लिखना। और अगर आपके चाहे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हों, प्यारे प्यारे दोस्ती हों, चाहे जो भी हो, है ना, समझ रहे हो ना, उसके आगे वाले को तो कभी मत बताना, बता सकते हो लेकिन कापी में छपवाना मत, एज इट इज बताने को बता दो, लेकिन एज इट इज मत लिखवाना, नहीं तो एग्जामिनर सबसे पहले उसकी कॉपी चेक करेगा, सोचेगा कि इस पीछे वाला देखा होगा, उसका चेक कर लिया, तुम्हारा नंबर काट देगा, कहानी ख़त्म। तो फिर बोलोगे हमारे में से फलनवा दिख ले रहना, तो पास हो गए ना सर जी, हम कैसे फेल हो गए, हम तो पढ़े थे, वो पढ़ ले भी ना रहना, बस हम दिखोली उनके। तो ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए, तो ये चीज़ें हो गई। जो 7वीं बात है, मुख्य बात है ना बच्चों, वो चीज़ ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ।
अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को सबसे अंत में लिखना, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आ रहा है तो पहले उसको लिख लेना, बीच में बहुत सुंदर सा राइटिंग बना के जो पहले उससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा है घुमा फिरा के ही बातें लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर। और लास्ट में अगर उत्तर कहीं से इधर उधर से मिल जाए ना, मैथमेटिक्स का है, तो उस उत्तर को लिख देना, 100% उत्तर देगा। बहुत बढ़िया सा सजा के राइटिंग में लिखना उसको बच्चों, और पहले पेज 8-10 पेज, मतलब 4-5 पेज, 6 पेज, 7 पेज बहुत अच्छे से राइटिंग लिखना। इसके बाद देखना, फेल हो जाओ तो फिर कहना मुझे, बिल्कुल बिल्कुल भी जीरो से बच्चा जीरो भी रहेगा ना वो भी। और बाकी मैं क्लास तो चला ही रहा हूँ हर सेमेस्टर का, आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद ही लगने वाला है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया। और एक बात और याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, स्कीप नहीं करने हैं, एक भी क्वेश्चन स्कीप नहीं करने हैं आपको बच्चों। यह बातें रहीं जीरो से DLED में 95% प्लस कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, ठीक है। अब बताओ, मैथ के लिए अगर अलग से कहोगे तो अलग से मैं बना दूंगा, है ना। और रही बात यूपी टेट के लिए भी बनानी है तो एक यूपी टेट के लिए भी बना दूंगा, ऐसे ही, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर किया करो मुझसे, कमेंट किया करो। लेकिन भाई मैं देता हूँ तो मैं एक चीज़ बस मांगता हूँ आपसे, मात्र एक लाइक। और कुछ बच्चों को जोड़ना चाहते हो तो बच्चों जोड़ देना, जिससे कि आपका भी फ़ायदा होगा। अगर आप आज पढ़ लिए, आज मान लीजिए कोई वीडियो आया, आपने ही देखे, वो देखा है तो आपको कमेंट करेगा, आप दोनों एक दूसरे में थोड़े से बहस करोगे, ये क्वेश्चन सर बताए थे, ये क्वेश्चन बताए थे। डेली 12 बजे क्लास आता है 4 सेमेस्टर का, उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। एक दो दिन नहीं आता है बाई टेक्निकल इशूज़ के कारण, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस समय थोड़े से टेक्निकल इशूज़ मेरे सिस्टम में चल रहे हैं, तो बहुत जल्द सही हो जाएगा, डेली रेगुलर हो जाएगा क्लास हुआ। लेकिन मैं सेकेंड सेमेस्टर के अगर आप बच्चे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का भी क्लास लग जाएगा। बाकी जो बच्चा पूरा क्लास देखना चाहता है तो एक बार आ जाए प्लेलिस्ट में, यूपी टेट का भी पूरा कंप्लीट है, चारों सेमेस्टर के बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर हैं हर सब्जेक्ट के, आपको मिलेंगे मैराथन भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी। यहाँ पे आइए बिल्कुल फ्री में देखिए, और समझ में नहीं आए तो वहाँ पे लिख के जाइए सर समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ जाए ना तो लाइक ठोक देना और 10 बच्चों को सब्सक्राइब करा देना। धन्यवाद, आपकी फैमिली है, बड़ा कराना आपका फ़र्ज है।